told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Hi. Hey guys, welcome back to Falaknas Salon. So, आज मैं फिर से आपको एक न्यू क्लाइंट बोलने से तो नहीं होगा, वो ऑलरेडी काफी लोग उन्हें जानते हैं, नॉन पर्सन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इतने करीब हमारे रहती हैं। मतलब हम उनके घर के बिल्कुल पास में ही है, लेकिन ये नहीं जानती थी बाकी काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे चले हैं। आज ये देर से आए बट दुरुस्त आए। तो चलिए इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो हमारे पास ग्रूमिंग करना है, हमारे बैरकपुर स्पार्कल्स एंड फैमिली सैलून फलकनास के सैलून में। तो चलिए इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मोंटी रॉय से, ये अपना क्या ग्रूमिंग करवाने आई हैं और इन्हें क्या क्या चाहिए, मुझसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी, तो चलिए इनसे ही पूछती हूँ। सो हे गाइस, दिस इज माय फेवरेट मोंटी रॉय हेयर। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ फलक दी के पार्लर में। तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत अच्छे से हेयर एक्सटेंशन होता है, इवन बहुत प्रॉपर वे में होता है सब कुछ। तो मेरे बहुत फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे ना पता नहीं था कि इतना पास रहती है फलक दी मेरे घर से। तो गाइज, आ गई हूँ मैं आज फलक दी के पार्लर में। तो मेनली मेरा ना हेयर बहुत ही मतलब पतले है, बहुत ही वॉल्यूम कम है, इनके हेयर में थिन हेयर है, बहुत ही ज्यादा थिन हेयर है। तो मुझे ना बहुत शौक है कि लॉन्ग लेंथ का हेयर होगा मेरा, तो यार तो वॉल्यूम आएगा, राइट? यस, एग्जैक्टली। तो वॉल्यूम आएगा और क्या, स्किन वगैरह? स्किन वैसे काफी अच्छा है, लेकिन और भी एनहांस करना है। आप तो हो ही हो स्किन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हेयर स्किन एंड ऑल ओवर ग्रूमिंग का पैकेज इनका करना है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना काम और देखते हैं कि कैसा होता है। सो टिल देन गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियो। और हेयर कलर के साथ साथ अभी और भी बहुत कुछ करने वाली हूँ, तो हमने स्टार्ट किया था कलर से। अब चलिए देखते हैं कि हेयर कलर इनका कैसा आया है और कैसा दिख रहा है कलर। तो ये कलर, वाओ, कलर तो लोअर में बहुत प्यारा सा कलर आया है, क्योंकि हमने इनका एक ही शेड में दो तीन शेड कहा था कि एक कलर से दो तीन शेड हम लाएंगे। तो ये लोअर में आप देख सकते हैं, लोअर हेयर कलर काफी लाइट शेड में हमने दिया है। लुक लाइक माई हेयर, जैसे आप देख सकते हैं मेरे हेयर में लोअर शेड काफी लाइट है, ऊपर में डार्क है, तो मेरे शेड से थोड़ा सा हट के हमने इन्हें लुक दिया है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ऊपर का कलर कैसा आया है। तो ये जो टोपी हमने पहनाया था, ये हम उतारे, लाइट शेड करते हैं हेयर में, थोड़ा फैशन कलर जाते हैं, तो हमें रूट अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज रूट से हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं। तो हमें रूट अवॉइड करके अगर हम कलर अप्लाई करते हैं तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट हमारे रूट पे नहीं आता, इवन लुक भी बहुत अच्छा आता है, तो इससे हेयर डैमेज भी नहीं होते। तो हमने जो अप्लाई किया था, ये आप देख सकते हैं, ये डार्क शेड है, डार्क शेड से यहाँ पे एक मिडिल शेड आते हुए ये लास्ट में एट द एंड ऑफ द हेयर हमने देखा ये लाइट शेड। अब लेकिन इसका लुक आप वॉश करने के बाद देखेंगे। We'll be right back.
पहले हमने इनके हेयर में कलर किया और कलर वॉश करने के बाद अभी इनके हेयर में हम प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं और प्रोटीन ऑलरेडी हमने इनके हेयर में दे दिया। अभी कुछ देर हमें वेट करना होगा क्योंकि ये प्रोसेस में है और इसके बाद भी अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है, तो देखते हैं कि इसके बाद क्या रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आता है तो आप देखते रहिए। ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन अभी भी हेयर में कुछ प्रोसेस बाकी है, लाइक हेयर एक्सटेंशंस बाकी है और इनके स्किन ट्रीटमेंट अभी बाकी है। तो अभी चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं अब स्किन की तरफ, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बाद, इस प्रोसेस के बाद हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। उस दरमियान हम स्किन ट्रीटमेंट कर लेंगे और स्किन ट्रीटमेंट के बाद में